सेल गुरु में आपका वापस स्वागत है। अब हम चल रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की ओर और वो है हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर शूटआउट। मेरे पास है इंटेक्स का ऑक्टा कोर प्रोसेसर प्रोटोटाइप। पहली बात, इंटेक्स को हम लोग कंग्रेचुलेट जरूर करेंगे, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे पास एक प्रोटोटाइप फोन भेजा, तो हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे। हमारा रिव्यू इसको एक प्रोटोटाइप की तरह ही ट्रीट करेगा, लेकिन ये स्टोरी एक रिव्यू से कहीं आगे बढ़ के जाती है और वो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्या उसका सचमुच कोई फायदा है, क्या फर्क पड़ता है अगर आपके पास एक ड्यूल कोर है, आपके पास क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है, और क्या 8 के 8 कोर एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर में साथ ही साथ काम करते हैं। आइए देखें इस शूटआउट में। प्रोसेसर स्मार्टफोन का शायद सबसे पेचीदा फीचर जो उसे वाकई में स्मार्ट बनाता है, यही है जो चुपचाप से फोन के अंदर धड़कता रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जान डालता है, अलग अलग तरह के एप्स लोड करता है, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए स्पीड देता है, यही है जो ग्राफिक्स से भरे गेम्स खेलने की ताकत देता है और हाई डेफिनेशन दिखाता रहता है। प्रोसेसर के मामले में हम सिंगल से डुअल, डुअल से क्वाड और अब ऑक्टा कोर तक पहुंच गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी S4 पहला फोन था जिसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर था, लेकिन क्वाड कोर एक वक्त में 4 बैच के साथ काम करता है, इसलिए 8 कोर एक साथ एक वक्त में कभी काम नहीं करते। इंटेक्स फोन सही मायने में एक ऑक्टा कोर फोन है। इसके अंदर धड़कने वाले मीडियाटेक प्रोसेसर में CPU के सभी 8 कोर एक वक्त में एक साथ काम करते हैं, जो इस फोन को मजबूत फोन बनाते हैं। सेल गुरु की लैब में हमने एंड्रॉइड हैंडसेट जैसे ऑक्टा कोर इंटेक्स फोन, ऑक्टा कोर S4, क्वाड कोर HTC डिजायर 600 और डुअल कोर सैमसंग गैलेक्सी कोर के कुछ टेस्ट किए। पहला टेस्ट CPU प्राइम बेंचमार्क। ये एप्लीकेशन दूसरे डिवाइस से आपके फोन की स्पीड की तुलना करता है। इसमें कई टेस्ट को शामिल किया जाता है और एल्गोरिदम को भी इंटेक्स फोन रेस में गैलेक्सी S4 से आगे रहा। दूसरे नंबर पर रहा HTC डिजायर 600, सैमसंग गैलेक्सी कोर थोड़ा पीछे था। दूसरा टेस्ट N22 बेंचमार्क। हमने फोन के प्रोसेसर और उसके प्रदर्शन को देखने के लिए एक और ऐप टेस्ट किया। नतीजा हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही रहा। इंटेक्स ऑक्टा कोर का प्रदर्शन शानदार रहा। HTC क्वाड कोर दूसरे स्थान पर, सैमसंग फिर से तीसरे स्थान पर, और एक और ऑक्टा कोर फोन सैमसंग गैलेक्सी S4 ने बाजी मारी। जैसा कि उम्मीद थी, इस बेंचमार्क टेस्ट में मीडियाटेक वाकई में सभी 8 कोर चिपसेट दूसरों से कहीं आगे रहे। हमारे पास इंटेक्स फोन एक बेसिक फोन था जो थोड़ा धीमा लगा। मेटल बॉडी थोड़ी सी गर्म होती भी लगी, लेकिन 8 कोर चिपसेट मजबूत रहा और भविष्य में भी सबसे आगे दौड़ने वाला ही लगा। तो हमने अपनी राय अभी रोक रखी है, जब तक कि हमें फाइनल प्रोडक्ट ना मिल जाए। 6 इंच के इंटेक्स फोन की कीमत ₹20,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु, लेकिन जाने से पहले बहुत जरूरी है, हमारे जितने कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं उनके नाम हम आपको जरूर दिखाएंगे। नाम अभी स्क्रॉल कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपके डिवाइसेज, आपके फोन्स आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन एक और चीज जाने से पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है प्रीव्यू हमारे अगले हफ्ते के शो का। मैंने आपको सुर्खियों में दिखाया था कि जियोनी ने E7, E6 अभी निकला है, E7 ऑलरेडी आ गया है। अगर उसका वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है तो सेल गुरु पे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अगले हफ्ते चाइना से हमारी स्टोरी E7 पे। मिलेंगे अगले हफ्ते सेल गुरु पर।